नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की सह पर भारत से सीमा विवाद करने और संसद से नया नक्शा पारित कर भारतीय क्षेत्र को नेपाल में दिखाए जाने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर घमासान मच गया है। इस बात पर खुद उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। स्थायी समिति की बैठक में उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्कमल दहल प्रचंड नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं। हालांकि प्रचंड वामदेव गौतम का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अभी तक आगे करते रहे हैं, यानी किसी भी वक्त ओली की डोली की विदाई हो सकती है। वैसे भी यह चीनी धोती छाप अब हर बीते दिन के साथ नेपाल पर बोझ बनता जा रहा है। प्रचंड पर भारत से मिली भगत का आरोप लगाते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा है कि दिल्ली के समाचार मीडिया के मुताबिक भारत के इशारे पर उनकी सरकार को गिराया जा रहा है, जिसके बाद प्रचंड ने बेहद सख्त लहजे में बयान दिया है कि उन्होंने ओली का इस्तीफा मांगा है, उनसे भारत नहीं मांगा है। ओली सिर्फ एक पद पर ही बने रह सकते हैं, वे पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, साथ ही पीएम की गद्दी पर भी कब्जा जमा चुके हैं। अब उन्हें हर हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री का पद त्यागना ही होगा। पर इसी बीच जिस तरह की सूचनाएं आई है उसने नेपाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। केपी शर्मा ओली ने अपने राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करने के लिए चीन से सहयोग मांगा है। बताया जाता है कि चीन ने यह काम पाकिस्तान को सौंप दिया है। पाक सरकार ने इसके लिए अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई को नेपाल में सक्रिय कर दिया है, जिसके बाद ओली के विरोधी नेताओं के जीवन को लेकर जोखिम खड़ा हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ओली के इस मिशन में नेपाल की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। नेपाल की आर्मी के इन फौजी को ओली का विश्वास पत्र समझा जाता है। बड़ी बात यह है कि प्रचंड ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि ओली उनके खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह साफ हो चुका है कि काठमांडू के होटल में ओली विरोधी नेताओं की मुलाकात हुई थी, मगर यह मुलाकात सरकार गिराने को लेकर नहीं थी, बल्कि आईएसआई के किसी हमले से इन नेताओं को बचाने के लिए की गई थी। अब जरा उन नेताओं को भी जान लीजिए जो ओली और आईएसआई के टारगेट पर है। इनमें सबसे ऊपर पुष्पकमल दहल प्रचंड और वामदेव गौतम का नाम है। यह दोनों ओली के बाद पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। उसके बाद माधव नेपाल, झालानाथ खनाल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन सभी को आईएसआई से जान का खतरा बना हुआ है। दरअसल चीन और पाकिस्तान किसी भी हाल में केपी ओली को नेपाल की सत्ता से दूर देखना नहीं चाहते हैं। ओली के मोदी और भारत विरोध की वजह से नेपाल और भारत के संबंधों में कड़वाहट का फायदा इन्हें मिल रहा है। ओली के कार्यकाल में ही यहां मुस्लिम तुष्टिकरण और आईएसआई की पैठ गहरी हुई है। नेपाल के मुल्ला नागरिकों ने यहां से पाकिस्तान के लिए भारत में घुसने के रास्ते खोल दिए हैं, जिससे इस हिमालयी राष्ट्र में रेडिकल इस्लाम काफी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि ओली इतने नीचे गिर चुके हैं कि वे कुर्सी के मोह में इन कट्टरपंथी तत्वों का सहारा ले रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। इधर ओली विरोधी गुट ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने भारतीय दूतावास के माध्यम से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसके जवाब में भारतीय दूतावास ने इसे नेपाल का अंदरूनी मामला बताकर इससे पल्ला झाड़ दिया है। यानी ओली जैसे तानाशाह की वजह से आज केवल नेपाल की जनता ही नहीं, राजनीतिक दलों में भी घबराहट की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर उन्होंने नेपाल से बाहर जाकर दूसरे देशों को नेपाल की राजनीति में आमंत्रित करके एक बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। पर इससे ओली की कुर्सी बच जाएगी अब वे संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की शरण में जाने के बाद उन्होंने भारत से भी गुहार लगाई है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनकी नीतियों की वजह से भारत उनकी कोई मदद करेगा, मगर नेपाली एफएम प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत को पाकिस्तान की नेपाल में एंट्री का झांसा देकर यह ब्लंडर रचना चाहा है, जबकि भारत को पहले ही पता है कि यह सब ओली के इशारे पर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि धूर्त पीएम एक साथ कई मोर्चे पर बड़ा गेम खेल रहा है। अपने ही विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए आईएसआई का सहारा भी लिया, फिर ग्यावली द्वारा आईएसआई का नेपाल में षड्यंत्र का संदेश भारत भी भेज दिया। परंतु ओली का यह तमाम कच्चा चिट्ठा न केवल भारत को पहले से ही पता लग चुका था, बल्कि प्रचंड का पूरा गुट इससे भी पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे में ओली की कुर्सी पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वे अधिक वक्त तक नेपाल को और जलील नहीं कर सकते हैं, मगर ओली के विरोधी गुट की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बकरार है। उनकी सुरक्षा में ओली द्वारा ऐसे लोग हैं जो उनकी एक एक गतिविधियों की जानकारी ओली तक पहुंचा रहे हैं। प्रचंड और उसकी टीम के लिए यही बड़ी चुनौती है। वैसे भी ओली को सरकार से चलता करने में जितना वक्त लगेगा, प्रचंड गुट पर जान का जोखिम उतना ही बढ़ता जाएगा। गिरफ्तारी की तलवार तो सिर पर इस वक्त भी लटक रही है।
इसलिए ओली की डोली नेपाल से उठाई दी जानी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।